अच्छा साथियों, हम विरहा गायिका मंजू लता इलाहाबाद प्रयागराज के पावन धरती से अपने साथियों के साथ आप सबके बीच में ये गीत पेश कर रहे हैं। आशा नहीं बल्कि विश्वास है कि आप लोगों को जरूर पसंद आएगा, जो कि हमारे विरहा का शीर्षक बताया गया, खिचड़ी के त्योहार क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं, कहां से शुरुआत हुआ। विरहा में चार लाइन भूमिका का भाव बा मास्टर साहब। खिचड़ी को देवता ने धरती पे खाया, अही हाथ या कर वो खुद से बनाया, औषधि बताया था जो खाया था खिचड़ी, नया परिचालक बन के दुनिया में आया, रोगी न होगा जो खाएगा खिचड़ी, प्रभु खुद या करी सबको बताया, डॉक्टर भी देते हैं खिचड़ी ओ पानी, कितनों का बाबू है जिंदगी बचाया। डॉक्टर भी देते हैं खिचड़ी ओ पानी, कितनों का बाबू है जिंदगी बचाया। ये खिचड़ी कब से कैसे मनावल गई बा, विरह में हमारे एक लाइन के जल का भाव हो मास्टर साहब। वे गीत का लाइन बा, कहना बा कैसे, अरे पियाजी, अरे पिया जिसको चाहे सुहागन वही है, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है, चाहे अरे सुहागन
वही है। अरे जले जो पीरा में अभागन वही है। कैसे? अरे दुनिया चलाने वाले कैसे ही तेरी माया। दुनिया चलाने वाले कैसे ही तेरी माया। अरे कहीं पे पड़ता धूप कहीं पे रहती छाया। दुनिया चलाने वाले कैसी है तेरी माया। कहीं पे पड़ता धूप कहीं पे रहती छाया। क्या तेरी माया है दाता। कहानी शुरुआत हो गई भैया। केकर कहानी बा, कैसन कहानी बा, सर के भाव में लगल। मच्छेंद्र नाथ भिक्षा लेने एक दिन आए हैं। मच्छेंद्र नाथ भिक्षा लेने एक दिन आए हैं। बिरह ग्वालिन का देख बात को बताए हैं। मिलेगा पुत्र तुम्हें तेरे इस लचारी में। मिलेगा पुत्र तुम्हें तेरे इस लचारी में। खा लो भभूत ये संतान की बीमारी में। संदेह ग्वालिन के दिल में समाई है। संदेह ग्वालिन के दिल में समाई है। फेक भभूत तब घूर पे वह आई है। बारह साल बाद फिर बाबा आए हैं। बारह साल बाद फिर बाबा आए हैं। कहाँ है लाल तेरा बात बतलाए हैं। अरे भैया कहानी एकदम शीशा की तरह एकदम झलकत जाए, आप लोगों के समझ में आ जाए। आखिरकार बतावल गए बाबू मच्छेंद्र नाथ बाबा जो कि सुरूपी अंश थे, और मच्छेंद्र नाथ बाबा का नियम का रहल भिक्षा मांगे और वही भिक्षा के लिया के शाम का जब समय हो तो भोजन बना के वही के भोजन करें, उनका नियम था। और धीरे धीरे बाबू समय बीत रहा है। एक दिन मच्छेंद्र नाथ बाबा भिक्षा मांगे खातिर चल दे हलन। और जब चलन हुआ तो धीरे धीरे चलते चलते एक ग्वालिन के द्वारे पर पहुंच गईलन। और जब ग्वालिन के द्वारे पर पहुंच गईलन तो बाबा जी समझ गईलन कि ये औरत के गोद में कोनो संतान नहीं भइलन। बाबा जी समझ गेलन, जाए के द्वारी पर रुक गेलन। वही जने
भिक्षा दे थे। बाबा जी कहलन कि इतना दिन तुहार जीवन कैसे बीतल, कहे का बताई बाबा, असरा लगल हो सकेला मालिक पुरा दे। धीरे धीरे बाबूजी समय बीत गए, लेकिन बाबा जी समझ में हमारे ना आयल। बाबा जी कहलन ठीक बा, तुहार मनसा तुहार इच्छा मन को पूरा हो जाई। मच्छेंद्र नाथ बाबा भिक्षा के बदले में लहला के बाद में उ ग्वालिन के भभूत थमौलन। कहलन कि हम भभूत देते एक लेला, एक तू खा लेबू तो तोहके संतान का पैदाइशी हो जाई। और ग्वालिन भिक्षा लेहलिन, तो भिक्षा देले के बाद में मच्छेंद्र नाथ बाबा चल दहलन, लगल भिक्षा मांगे। फिर धीरे धीरे इसी तरह से बाबू समय बीत रहा है। एक महीना, दो महीना, तीन महीना, ऐसे ही करते करते एक साल, दो साल, धीरे धीरे बाबूजी 12 साल बीत गए। 12 साल जब बीत गए तो एक दिन बाबा जी घूमत घूमत वही ग्वालिन के दुआरी पर पहुंच गईलन। और जब ग्वालिन के दुआरी पर पहुंच गईलन तो लगलन सोचे कि हम यही ना एक औरत के जौन बा भभूत देले रही हो सकेला लड़कवा पैदा भयल होई। तो जाए के लगलन निहारे देखात ना बा वही ग्वालिन घरे में से निकलल। तो बाबा जी एक है बात कहलन, का कहलन भैया बिरह में तर्ज बा, बाबा उहे बिरह में गीत बा, कोनो दुल्ही अपने दुल्हा के अपने जान से भी ज्यादा मानत रहल। चंदन लाल हमार बात ध्यान से सुनिहा, मेहरारू अपने दुल्हा के बहुत मानत रहल। उहे जुल्फिया फेर के कहे राजा नजर पर न लागे, कहतिया का कहतिया भैया, ये दुल्हन कहलस अरे नजर लागी राजा, अरे नजर लागी राजा तोरे बंगले पे, बाबा लगलन पूछे ग्वालिन से कहलन कि जौन लड़िकवा के दिल भिछवा दिल खाए बदे, तो लड़िकवा जन्मल होई तू कहाँ हो, तब बतावत हिन का कहलिन, अरे भभूतिया के बाबा हम नाही खैली, भभूतिया के बाबा हम नाही खैली, भैया ग्वालिन हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। कहलिन कि बाबा जौन आप भभूत दिले रहला उ भभूतिया के हम खैली नहीं, हमके विश्वास नहीं भयल, बड़ा दिन से ओझाई सोखाई करौली देखौली, कुछ लाभ नहीं मिलल, इसीलिए हमें भरोसा विश्वास ना भल, ले जाके भभूत हम घूरे पर फेंक दिली। तो कहलन कि बाबा चल के हमें देखावा, तो चल दिल भयल का अंतरा। जाय करके ग्वालिन तब घुरवा दिखाई, बाबा कहे बेटा बाहर को आई,
गोबरा के घुरवा से बाहर तबयावली भभूतिया के बाबा हम नाही खैली। आए भैया एहर मच्छिंदर नाथ बाबा जाए के वही घूर पर से लड़का के लगन पुकारे कला बेटा बहरे आवा। एक बार दो बार आवाज लगाए, जब तीसरी बार आवाज लगल तो घूर में से वही से लड़का निकलल। और जब लड़का निकलल तो लड़का के बाबा जी अपने साथे ले आए के बाबू जी चल दलन। तो चलन तो कैसे चलन, बिरहा में विदेशिया बा। गोबर के घुरावा से गोरखनाथ का जन्मवा हो, अरे संघवाली आई बाबा आइले वो ही घरिया दिहले ज्ञान बाबा, अरे गुरु बनी चलावा के नाम होई तोहरा के बेटा हो नगरिया भगति में नाम ऊंचा गोरखनाथ कई लिहलै, अरे पूजा कर ज्वाला देवी माई के चरनिया, अरे प्रगट भैली ज्वाला माई अरे लाल के समनावा हो, आज तोहर बेटा हम करबै साता करी, ए भैया आखिरकार बतावल गल बाबूजी एहर समय बीतल बा, वही घूर से जौन लड़िका के जन्म भयल बाम एहन मच्छिंदर नाथ बाबा लिया के चलन हुअन। धीरे धीरे कुछ दिन बीतल बा, वो लड़िका के नाम जौन बा गोरखनाथ पड़ल, गोरखनाथ नाम पड़ल बा लगलन साथे लिया के चले। कुछ दिन के बाद वो गोरखनाथ के शिक्षा दीक्षा दे करके उनको भी महायज्ञ बना दिए। धीरे धीरे बाबू समय बीतल बा, आखिर चर्चा लगल होए। जब चर्चा होए लगल एहर बाबा जी अपन दूसरा जगह चल गइलन, और उसी समय गोरखनाथ बाबा वो भी शिव जी का अंश थे, वो भी जो कि इधर अपना रास्ता अपना लिए, भिक्षा दीक्षा मांगने लगे, घूमने लगे। धीरे धीरे बाबू चर्चा होने लगी, और जब चर्चा होने लगी तो गौर करेंगे, एक दिन गोरखनाथ बाबा चलते चलते माँ ज्वाला देवी के स्थान पे एलन है। स्थान पे एलन जाए के माता जी के प्रणाम कैलन, हाथ जोड़ के आशीर्वाद दिलन, वही हाल चाल लगल होए। तब जाए के बाबा जी एक बात कहलन कि माता बड़ी तेज हमके भूख लगल बा, बड़ी तेज हमके भूख लगल बा, भोजन करा देते तो बड़ा निक रहल। तब देखा यार भयल का भैया गीत बा, वह गीत का लाइन बा, अरे खाड़े रहो मुरली वाले, अरे खाड़े रहो मुरली वाले, गगरिया घरे धैले आई
भाव लिखल गयल कैसे कहे लाल भुखिया सताई अरे कहे लाल भुखिया सताई दरस माई तोहरा के पाई बड़ी तेज हमके भूख लगल बा मैया भोजन कराए दा तब ज्वाला कहाँ चली कैला भोजनवा योगी कहाई माई मानिला बचनवा भेड़ायो बकरा कटाई भेड़ायो बकरा कटाई तरस माई तोहरा के पाई ज्वाला मैया कहलिन कि ठीक बा बाबा भोजन करबा तो भोजन मिल जाए लेकिन बाबा कहत कहूँ कि माई ऐसे भोजन कैसे करो तोरे यहाँ तो भेड़ा बकरा चढ़ला हम मांसाहारी भोजन ना करब शाकाहारी भोजन करब लेकिन ऐसन भोजन हमके ना चाहिए कहे तब कैसन भोजन करबा कहे कि सुना बतावत हुअन का बतौलन गोरखनाथ बाबा कहलन अरे लई करके हंडी तू नावया दहनवा मांगी कर भिछा आईब तोरे समनवा चावन मिले उहे खाई अरे चावन मिले उहे खाई दरस माई तोहरा के पाई गोरखनाथ बाबा कलन के माता ऐसन काम कर तू हंडी चढ़ावा अदहन दे और हम भिक्षा मांग के आवत है एक आध दो चार घर भिक्षा लेके आई जौन मिली वही भोजन करब हम वही बनी तो वही के भोजन हम करब माता कहे ठीक बा भाई जैसन आपका आदेश एहर माता जी अपन हंडी चढ़ा के अदहन दे दिली आगे जोरिया दिली लगल बरे चूल्हा पर चढ़ गए हंडी धीरे धीरे बाबू समय बीत बा गोरखनाथ बाबा भिक्षा लेवे खातिर चलल हुअन और चलते चलते वहां से एक गांव से दूसरे गांव चले गए तो कहना पड़ा क्या अरे बैरागी भैले दिल के बावला हो अरे बैरागी भैले दिल के ओ बैरागी भइल दिल के बावरा तल्ली हले हाथ कमंडल रहिया तब निहार लिहले हाथ कमंडल रहिया तब निहारी बैरागी भइल दिल के बावरा ए बाबू आखिरकार बाबा जी भिक्षा लेते लेते एक गांव से दूसरे गांव तीसरे गांव इसीलिए आगे बढ़ने लगे तो भइल का भैया
है गीत बा कौनो लड़का कौनो लड़की का खूबसूरती देख के कहत बा तू आजकल बड़ा बिजली गिरावत हो हमें पता हो लेकिन तू बताव लड़कवा कहत बा का कहलस भैया अरे कहवा गिरी हो अरे कहवा गिरी गोरिया रे अरे गोरिया रे बिजुरिया कहवा गिरी खेल गल बाबू अरे घूमई चले बाबा या जगुआ में घूमई चले बाबा लगलन घूमे भिक्षा मांगते मांगते गैलन कहाँ गैलन अरे हो गैली देरी ज्वाला माई गुस्सी आई अरे पापी के देव आज माटी में मिलाई चले बाबा या जगहुआ घूमई चले आए बाबूजी गोरखनाथ बाबा भिक्षा मांगत हुए हर माता जी जो हथ धीरे धीरे समय बीते लगल जोहत जोहत काफी समय बीत गेल उ जोहते हैं जोहत जोहत जब काफी समय बीत गेल तब परेशान हो गेलिन कल ये भाई तो अदहन चढ़वा के कहाँ गेलन पता नहीं चलत बा गुस्सा में लाल हो गेलिन तब का कैलिन काल भुचाल को माता बोलाई जान गए बाबा या बोई लड़ाई अरे मिट्टी लगाई अरे दहिया मले बाबा या जगुआ घूमई चले ज्वाला माता एकदम गुस्सा में लाल हो गेलिन और गुस्सा में लाल हो के काल भुचाल के बोलौलिन काल भुचाल के बोला के आदेश दिलिन कहली जा देखा कहाँ गेलन गोरखनाथ बाबा भिक्षा मांगत मांगत कहाँ गेलन बड़ा देर समय बीत गेल काल भुचाल चल देना पता लगावे और पता लगाते लगाते धीरे धीरे समय बीतल हर गेलन है कहाँ अल्लाह के भाव में कहना बा गोरखनाथ साथे रहले काई गो चलावा भैया
हाले मिला ये कही हांडिया में सब डाल है समनिया भैया बनाए करके खिचड़ी सबके दिहले हो खिया जल्दी में बाबू सब ही खाई ले खिचड़िया पंचो सुंदर रहे लोग बता ओही दिल से भैली शुरू खिचड़ी ते हरिया भैया मकर संक्रांति रहे लोग मना अरे भैया आखिरकार बतावल गयल ए अर्जुन बा गोरखनाथ बाबा भिक्षा मांगते मांगते धीरे धीरे गोरखपुर में पहुंच गयलन और जब गोरखपुर में गयलन हा तो समझ गेलन कि अब लेट हो गए बा जितना उनके संगे साथी दू चार गो रहलन बिच्छा जौन पहुले रहलन लियाई के बाबूजी हांडी रख के लगलन खाना बनावे और जितना सामान मिल रहल सामग्री रहल आटा नून तेल आटा चावल सब कुछ रहल कुल मिला के एक में वही में जौन बा भोजन बना दिलन जब भोजन बन के तैयार हो गल तो धीरे धीरे अगल बगल के लोग जुटल हुवन लगलन बाबू खाना खियावे सबके और जब सबके भोजन खवावे लगलन तो देखा कि भोजन लोग खात हुआ लेकिन भोजन वो रात नहीं बा वो रात नहीं बा धीरे धीरे देखा समय बीतल जात हो काफी लोग भोजन के खैलन यही से इसका नाम खिचड़ी रखा गया। उसी दिन सूर्य भगवान दक्षिण से उत्तर में प्रवेश करते हैं जो कि धनु राशि से निकलकर मकर में जाते हैं और धनु से मकर में जाते हैं उसी को मकर संक्रांति कहते हैं और उसी दिन से खिचड़ी मानल गयल और उसी दिन लोग जा करके स्नान करते हैं गंगा जी नहाते हैं तो कहना है मास्टर खड़ी के भाव में अरे लोगवा देखी काल भूचाल गोरख के लड़ाई में अरे चेलावा भी हसी नाथ अरे चेलावा भी हसी देखे अरे सिरावा झुकाई के चेलावा ए भैया यार काल भूचाल पहुंच गयलन काल भूचाल वही समय पहुंचलन गोरखनाथ बाबा खिचड़ी खियावत हुवन गोरखनाथ देखलन कहलन कि कहाँ से आ गेलन अब तो लड़ाई होई दोनों जने में हर लड़ाई जब होए लगल तब तो देखा बतावल गेल शिव रूपी गोरखनाथ दिहले पत्थर बनाई असरम से झुकी बाबू ज्वाला माई आई अरे आज तक गोरखनाथ
हर हाडी रखली जलाई के अरे चेलावा भी हंसी देखे अरे चेलावा भी हंसी देखे सिरावा झुकाई के चेलावा भी हंसी देखे अरे भैया आखिरकार हर काल भूचाल आई के लगल लड़ाई करे और जब लड़ाई लगल होए तो हर गोरखनाथ बाबा पत्थर बना देहलन पत्थर बना देहलन उधर धीरे धीरे समय बीतत बा ज्वाला मैया जो होते इनकी धीरे धीरे आखिर सतयुग से लेकर हंडी बरले बरले आगे बरले बरले इ द्वापर कलयुग आ गए अब वही तक नहीं अलन तब तो बतावल गल कहना बा अरे गोरखपुर में गोरखनाथ का अरे बनी गा शिवाला और श्रद्धा भली करे लोग मनसा पुराला अरे जनता शीश झुकावे अरे सिरवा झुनवाई के अरे चेलावा भी हंसी देखे अरे चेलावा भी हंसी देखे अरे सिरावा झुकाई के चेलावा भी हंसी अच्छा साथियों आखिरी में प्रमाण मिलल गोरखनाथ बाबा के नाम पर गोरखपुर शहर प्रसिद्ध हो गई जो कि आज वहां पर मेला भी लगता है खिचड़े के दिन और इधर माज्वाला जो कि 51 शक्तिपीठ में से एक अंग है प्रमाण मिला यहां पर सती का जीभ गिरा था जो कि आज ज्वाला माँ के नाम से प्रसिद्ध हुई है और बताया गया माँ ज्वाला कांगड़ा जिले के हिमाचल प्रदेश के कालीधर पहाड़ी पर है और आज लोग मानते हैं जानते हैं पूजते हैं जो कि एक प्रमाण और मिला है कि वहाँ पर आज भी बिन घी और बिन रुई का दीपक हर समय जलता है और जल रहा है जिसको नहीं विश्वास हो एक बार देख ले जा करके हमारे गीत के आखिरी लाइन में कहना बा गुरु बिहारी गुरु गणेश बसे नजरिया काशी हरिओम संगवा श्याम जी भैल